हाय गाइस, मैं हूं शाली। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से एंड बाय गॉड ग्रेस मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज है 27 जून और आज मम्मी ने रामायण पाठ कराया हुआ है, तो मम्मी यहां से लगभग 7 बजे के करीब चली गई थी गांव। और कल है मंकू का बर्थडे, तो इसीलिए आज रामायण पाठ हो रहा है। और कुछ नहीं, मैं हूँ, शैली है, श्रेयस है, शिवा है और अभी चाची आई हुई है, तो हम सब हैं अभी घर पर। बस मैंने ये घर के कुछ काम शुरू कर दिए, अभी मैं बेडिंग कर रही हूँ। और बाकी आप जुड़े रहो इस ब्लॉग में और देखो क्या होता है, क्या क्या मैं करती हूँ। सो बस शुरू करते हैं। सो लग गया है मेरा बेड एकदम प्रॉपर। और अभी कमरा थोड़ा थोड़ा बिखरा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मशीन रखी है सिलाई की, एक्चुअली चाची आई हुई है तो वो अपने बुटीक पे काम करती है। उनके हाथ की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक, मतलब एकदम परफेक्ट फिनिश देती है। इस वजह से कुछ कुछ काम था मम्मी के पास, वो उनसे करवा रही हैं। और बस कुछ नहीं, ये हो गया है और थोड़ा बहुत ही बिखरा हुआ है, वो सही कर दूँ, बाकी फिर देखती हूँ क्या करना है। आज यहाँ पे बनने जा रही है तहरी, बिकॉज चाची के हाथ की तहरी वर्ल्ड बेस्ट तहरी। सो जब भी वो आती हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि वो आए और हम लोग उनके हाथ की तहरी ना खाएं, तो उन्होंने अभी कुछ कुछ चीज़ें कर रखी। ये आलू काट दिए हैं, ये उन्होंने प्याज जो है हल्का सा और लहसुन ग्रेट करके रखा हुआ है। और अभी मैंने न्यूट्रेला मंगवाया है, और अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी कि वो किस तरीके से, मतलब अपना अपना हाथों का भी टेस्ट होता है। एक तो बनाने का रेसिपी का तरीका तो होता ही होता है, और मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जितने प्यार से खाना बनाया जाए और जो अपना अपना तरीका होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो अभी जब न्यूट्रेला आता है तो फिर मैं बाकी की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी घर पे है अभी प्रियम है, और ये है शैली, और ये है प्रिंस। हे हाय। और आज इस समय हम लोगों का मोस्ट फेवरेट शो, शैली आवाज़ तो करो, लाफ्टर शेफ। और ये आ गया चिंपांजी, इतना छोटा सोया चंक आया है। और क्या मैं वो नहीं बोलूं, श्रेयस बोलूं? ये इतना कॉन्शियस रहता अपने नाम से, इसका बचपन में आपको मेमू के पीछे की स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब जहाँ हम सब छोटे थे तो मेरे पापा जो हैं वो हम सबको, श्रेयस तब था भी नहीं, तो हम सबको ऐसे आते थे ऑफिस से और प्यार से मेमू टेमू ने जो भी अच्छा लगता था। तो जब ये हुआ तो इसको भी उन्होंने मेमू कहना शुरू किया, तो वो उसका नाम ही पड़ गया। फिर सब तब से इसको सब मेमू कहते हैं और आज भी इसको सब मेमू कहते हैं। चाची आ चुकी हैं और हम लोग बनाने जा रहे हैं, हम लोग भी नमक चाची बनाने जा रही है तहरी। क्या कुछ दो इसमें रखा ये दिन। ये धुल गया, कुकर दूं आपको निकाल के, बड़ा वाला दूं, बड़ा वाला जो देखिए इसके अंदर सीटी है। ये है ऑयल, ये लीजिए, रख दिया। और ये हल्दी, ये
सुष्मिता जी हल्दी मिर्चा धनिया और भी कुछ चाहिए? गरम मसाला हाँ, और जीरा, जीरा गरम मसाला ये जीरा है और ये गरम मसाला ये लीजिए। तो सबसे पहले डालेंगे हम इसमें तेल। चाची लगभग कितना होगा ये फ्राई करेंगी ना अभी? तो ये होगा एक चम्मच। अभी जो सोक्ड वो है सोया चंक्स, इसको फ्राई करने के लिए। सुन लो, काम कर लो थोड़ा सा। क्यों नहीं सुनते तुम? गेम क्यों खेलते रहते हो पूरे टाइम? इसको लगभग कितना फ्राई करेंगी? रुकिए रुकिए, बहुत धीरे बोलती मेरी चाची, मैं माइक पास करती हूँ। आप बोलो बोलो। जब तक ये रेड नहीं होता तब तक इसको फ्राई करना है। हेलो, मेरे घर का सबसे शैतान बच्चा। हेलो, से हेलो। हेलो, नहीं अभी नहीं ना आना, नहा ले जा रहे हो? ठीक है, जाओ। अरे मैं लेट हो जा रही हूँ। ये हो गए हैं गोल्डन। इतना, एक मिनट, बहुत गर्म है यार। लगभग इतना पकाना है, हल्का सा ये गोल्डन हो जाए और उसके बाद वापस लगभग तीन चार चम्मच तेल है। लगभग चाची कितने लोग खाने वाले हैं? आठ लोग। हाँ, तो आठ लोगों के हिसाब से चार चम्मच तेल डाला हुआ है। वो गरम मसाला है, ये जीरा होगा। उसको कपड़े बताइए कौन से पहने। ये कौन सा तुम्हारा कुर्ता पजामा है? चार दिन से कह रही चाची कुर्ता पजामा पहन लो, आज पहन ही लो। तुम जाओ आज, फिर तो पहन ही लो। ओकेजन में पहनोगे? ऐसे नहीं पहनोगे? अच्छा दिखा ही दो मुझे। आधा चम्मच जीरा, लगभग आधा चम्मच जीरा डलेगा। ये मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब भी मुझे तहरी बनानी हो देख देख के। आपको पता है एक दो तीन चीज़ें, एक ऐसे ही मेरी जूनियर है। हाँ, वो पता है चाची, वो जवे बनाती है। इसमें मटर डाल लो और पनीर हो तो पनीर डाल लो। पनीर तो नहीं है लेकिन फिर भी आपके हाथ की तहरी अच्छी होती है। बहुत ही नहीं है, 6% बैटरी पे फ़ोन चल रहा है। जीरा भुनने के बाद क्या डलेगा? लहसुन और ये पहले लहसुन गोल्डन हो जाएगा फिर प्याज डलेगा या बराबर से ही? लगभग एक दो सेकेंड भूनने के बाद तुरंत प्याज डलेगा। और ये है धनिया, बड़ा एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच धनिया है और आधा चम्मच हल्दी है। कौन सा पजामा है? अरे वाह, तो फिर तो आज पहन लो ये तुम। गर्मी है तो क्या इसी में बैठेंगे अपन? हाँ तीखी है, थोड़ी डालिएगा। हाँ डाल लीजिए थी। और लगभग मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जिस तरीके से आप खाते हैं, है ना?
और इसको थोड़े से पानी में इसको पहले से घोल के रखना है ना। लो उसका मन बदल गया। अभी क्यों बाद में नहाओगे? अभी एडिट कर रहे हो क्या? तुम्हारे क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? नाम बताओ। टर्क्यू एडिट्स। रुको अब बताओ, आप बताओ। टर्क्यू एडिट्स। टर्क्यू एडिट्स, उसमें क्या करते हो? एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग सिखाते हो? नहीं सिखाता नहीं हूँ, करता। करते हो मतलब क्या चीज़ एडिट करते हो? एनिमे, मतलब वही एनिमे होता है। एनिमे उसको एडिट करते हो। अच्छा बोलो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये लगभग प्याज जो है गोल्डन है चाची, गोल्डन होने के बाद हमें इसी मोमेंट पे ऐड करना जो हमने अभी अपना मसाला घोल के रखा हुआ था उसको। और ये कब तक पकाना है? ये पकड़ के आप बोलिए। जब तक ये तेल ना ऊपर आ जाए तब तक इसको पकाना है। और इसके बाद टमाटर काट के डालेंगी छोटा छोटा। हाँ चाची बोलिए, मेरे फोन की बैटरी बहुत कम है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। और ये कब पड़ेगा? सोया चंक और सोया। मैं फोन चार्ज करके लाती हूँ। क्या नहीं रहने दो। ये जिस तरीके का प्रोसेस बताया था, क्या बताया था? पहले टमाटर, टमाटर गलने के बाद उसमें हम नमक ऐड करेंगे, उसके बाद आलू और सोया चंक्स, और उसके बाद ऐड किया गया चावल। चावल लगभग चाची कितना था? तीन कटोरी, तीन साढ़े तीन कटोरी है ना। अब इसको अभी तुरंत बंद नहीं करना है। तुरंत नहीं बंद, ये तो सारी सब्जियां। हाँ बताइए बताइए जरा, क्या बोलो? उबाल आने के बाद इसको बंद करेंगे, मतलब तुरंत नहीं कुकर बंद करेंगे। अब ये प्रॉपर जो पानी है ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद ये कुकर बंद होगा। उससे तो क्या सब्जियां ऊपर आ जाती है। अच्छा ऐसे सारी ऐसे नहीं आती ऊपर। ये एक चाची ने ट्रिक बताई है न्यू, कि जब कुछ भी बनाए हम कुछ भी, ठीक है तो ऐसा है कि जब ऐसा कुछ भी बनाओ, हाँ तो उबाल आने के बाद बंद करो, तो सारी सब्जियां मिक्स। ओके तो जो पहले खाएगा उसके भी साथ। ये सही। बहुत अच्छी बनी है जैसी हमेशा।